तो कैसी हो डोरा स्पिरिट आर्मी? तो आज की वीडियो प्यार से भरी होने वाली है। अरे नहीं, वो वाला प्यार नहीं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहने के लिए एक लेटर लिखना चाहिए। अब क्या किया जा सकता है, फिर यह गोचू कैसे भी करके एक लेटर लिखता है जिसमें इसने बस इतना लिखा होता है कि गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। अब इस गधे से इससे ज्यादा की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती। और फिर डोरेमोन और नोबिता को एक गैजेट देता है जिसकी मदद से नोबिता एक बहुत अच्छा लेटर लिखता है। और फिर नोबिता जब लेटर पोस्ट करके आ रहा होता है तो वो शिज़ुका को डेकी सुगी के साथ देखता है, जिसे देख के नोबिता को जलन होने लगती है। और फिर नोबिता शिज़ुका के लिए एक प्यार वाला लेटर लिखता है जिसे पढ़कर शिज़ुका नोबिता के पास भागी भागी आती है। और फिर नोबिता शिज़ुका एक साथ पार्क जाते हैं जहाँ इनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता। और आखिरकार वो दोनों बोर होके घर आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में शिज़ुका को डेकी सुगी दिखता है जिसे देखकर शिज़ुका उसके पास चली जाती है। और नोबिता ना चाहते हुए भी वहाँ से उदास होके वापस घर आ जाता है, जहाँ नोबिता बहुत रोता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम शिज़ुका को एक और लेटर लिखो। और फिर नोबिता शिज़ुका के घर जाके शिज़ुका को एक लेटर देता है जिसे पढ़कर शिज़ुका पागलों की तरह नोबिता को ढूंढने लगती है। और आखिरकार शिज़ुका को नोबिता मिल ही जाता है, जहाँ शिज़ुका अपने किए के लिए नोबिता से माफी भी मांगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए और लेटर ऐसा लिख सकते हो, जहाँ नोबिता इसके लिए तैयार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ डोरेमोन नोबिता को दूरते दूरते शिज़ुका के घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि नोबिता शिज़ुका के लिए लेटर लिख लिख कर परेशान हो गया है। तो चलो यह भी एपिसोड एंड हुआ। तो अब बताओ कि एपिसोड कैसा था। तो चलो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।